मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे मेरी मम्मी चाय बना रही हैं सर पे रख के। क्यों बना रही हैं? क्योंकि ताऊ जी आ रहे हैं कार देने के लिए, इसीलिए अभी चाय बन रही है। और फिर थोड़ा सा घर ठीक कर रहा है क्योंकि उसने बिगाड़ रखा था। को यहाँ पे चाय बन रही है, अदरक कसरी है। सो गाइस, अभी हमने खाई है गुड वाली गच्चक। और गाइस, ताऊ जी आ गए थे। अभी वो लोग खाना वाना खा के गए हैं कार्ड बांटने के लिए। और भैया भी आए थे, वो थोड़े बहुत देर रुके भी थे। अभी वो गए हैं दीदी के यहाँ। अब देखते हैं वो लोग कब आएंगे कब नहीं आएंगे। जब तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टीवी। यहाँ मेरा भाई खा रहा है खाना क्योंकि पूरे दिन खाता है खाना। हम देख रहे हैं बिग बॉस। हम बिग बॉस देख रहे हैं। अरे पूरे टाइम खाते ही रहते हैं। और शाम को तुम कहाँ जाओगे? शादी में। हमको जाना है शादी में। मैं, पापा और पीयूष जाएंगे। ये देखो, चाउमीन खाएंगे। अभी भी खा रहे हैं, शाम को भी खाएगा, भुक्कड़ आदमी। गाइस ये देखो, हमारी माता श्री को सुबह से सो रही हैं। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। अरे झूठी, ये देखो गाइस कितने बज रहे हैं। मम्मी सुबह से सो रही हैं, दिख रही होगी आपको इनकी आंखों में नींद बहुत तगड़ी। और हमें सोने नहीं दे रही, कह रहे हैं तुम नहीं सोओगे। वो क्या कह रही हूँ, बता दे रही हूँ सब कुछ, सब बता रही हूँ मैं तो। गाइस को देख लो, बता दो गाइस। हाँ, और इनका बेटा भी बाहर गया है पता नहीं क्या करने के लिए। और वो भी सुबह से सो रहा है और टीवी देख रहा है। और मैं इनके घर की चौकीदारी कर रही हूँ। मैं इनको खाना बना के खिलाया है। सो रही थी दूसरों। नहीं गाइस, मैंने इनको खाना बना के खिलाया है, मैंने इनके कपड़े धोए हैं, मैंने इनके घर का सारा झाड़ू पोछा किया है। और ये दोनों मम्मी बेटे सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। फेंक ले थोड़ी सी लंबी लंबी फेंक। देख लो गाइस कैसे बोलते हैं, इनको मेरे से बात करने की तमीज नहीं है। इनको पता नहीं है मैं इनके घर का। आप भेगू हो, आप लंबी लंबी फेंकती हो। मैं दोनों में से कोई काम नहीं करती हूँ। आप बदतमीज इंसान हो, गुस्सा होती हो, दूसरों को बताती हो। आप क्या हंस रहे हैं? नहीं, आप क्यों हंस रहे हैं? इसलिए इंसान बताए हंस रहे हैं कि वो आपसे भी ज्यादा बदतमीज है। अच्छा गाइस, ये लोग ज्यादा बोलने लग गए। इनको इनको पकड़ के मारेंगे। ठीक है गाइस, मां को मारोगी? इतनी हिम्मत। गाइस ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। आलस आ रहा है, मन कर रहा है सो जाओ कंबल ओढ़ के। बाहर बहुत ठंड हो रही है गाइस। अभी नहीं सोई गाइस, झूठ बोल रहे हैं, अभी तक नहीं सोई पर सो सकती हूँ। बाहर ना ठंड हो रही है, कंबल से निकलती है ऐसा कांप कांप, ऐसा कांप 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 रही है। कांप नहीं चढ़ रही है तो नहीं, रही नहीं यार ठंड लग रही है कसम। ठंड है पर इतनी ठंड। मैंने हुडी पहन रखी है, जुराब भी पहन रखी है, जीन्स भी पहन रखी है, मेरे को फिर भी ठंड लग रही है। और मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं पहन रखा, सिर्फ एक सूट पहन रखा, इनको फिर भी ठंड नहीं लग रही है। ये दोनों ओ भाई रहन दो, ठीक है? इनके पास कभी कपड़े ही नहीं होते। मेरे को कहते हैं ठंड नहीं लग रही, कपड़े तो मेरे पास है कुछ नहीं। आपने कहा है ही नहीं। नहीं ठंड नहीं है। ठंड है यार गाइस, है अभी भागो मौसम दिखाओ। कपड़े मेरे पास क्यों नहीं है? कपड़े मेरे पास। अरे राम निन्ने आ रही है गाइस बहुत जोर के, मेरे को सोने नहीं दे रहे। और गाइस आज मेरे को जाना है पार्टी में, आज मैं जाऊंगी शादी में और वहां पर खाऊंगी चाइनीज फूड। और मेरा भाई भी खाएगा चाइनीज फूड और वो हमारे फेवरेट है, वो हम छोड़ेंगे नहीं। और हम मम्मी को नहीं लेके जा रहे इसलिए मम्मी चढ़ रही है। मैं जाना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं नहीं जाती कहीं भी। निन्ने आ रही है गाइस, ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। और मेरे भाई ने यहीं पे भैंसों की तरह पढ़ाई। और इनके अंकल ने इनको स्पेशल फोन करके बुलाया है इसलिए ये जाएंगे। हाँ जी, वरना मैं नहीं जाती गई। इस पता है अंकल जी का फोन आया था कि बच्चों को लेके आना। इससे कहते हैं इस कल ना अंकल जी इससे बात करते हैं, अंकल जी को लगा मैं हूँ। कहते गुड़िया आपको जरूर आना, तो कहते अंकल जी मैं गुड़िया नहीं, मैं गुड्डा बोल रहा हूँ। पागल कहीं का पता है गाइस क्या होता है, फोन पे पापा को मेरी आवाज लड़कों जैसे लगती है। मेरे को कहेंगे कि तू पीयूष बोल रहा है, मैं कहूंगी नहीं मैं पलक बोल रही हूँ। इसको कहेंगे तू पलक बोल रही है, हमारी आवाज बताओ उल्टी लगती है। मेरी आवाज लड़कों जैसे लगती है, इसकी आवाज लड़का हूँ लड़का। कौन फेंको चंदू? कर लो गाइस सो जाओ, बहुत नींद आ रही है मैं तो। सो गाइस मैं कुछ सोच रही हूँ, ठीक है? अब बताओ कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को अपना चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना चैनल स्टार्ट करूँ तो मेरे को कमेंट्स में बता दो। पर एक बात और है कि आप मम्मी का चैनल तो देखते नहीं हो, मेरा कैसे देखोगे? मम्मी का भी देखो, मेरा भी देखो। अगर मैं अपना चैनल बनाती हूँ तो मेरे चैनल पे वो नहीं आएगा, व्लॉग्स नहीं आएंगे, अलग अलग तरह के चैलेंज वीडियोस या फिर कुछ ना कुछ रोस्ट वीडियोस या कुछ भी, मतलब अलग तरह का आएगा, शॉर्ट्स आएंगे या कोई भी मतलब यूनिक वीडियो आएगी। इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। दोनों का कंपैरिजन मत करना, वो चैनल बिल्कुल अलग होगा, ये चैनल बिल्कुल अलग है। इस पर सिर्फ व्लॉग्स आते हैं, उस पर कोई भी हम कुछ भी कंटेंट बना सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि मेरे को अपना चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं।
और अगर कर देना चाहिए तो कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि हाँ आप भी अपना चैनल स्टार्ट करो, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको चाहिए कि हाँ मैं कुछ यूनिक बनाऊँ, कुछ नया कंटेंट आपको दिखाऊँ तो ही, और ना अगर आप चाह रहे हो कि मैं टाइम पास करूँ, मैं कुछ बना बना के डालूँ पर आप लोग नहीं देखोगे, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी गाइज़। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास स्कूल का भी काम है। हाँ सो गाइज़, अगर आप लोग देखोगे तो ही मैं डालूँगी, अदरवाइज मैं नहीं डालूँगी। तो मेरे को बता देना अगर आप लोगों को देखना है मेरा न्यू चैनल और उस पर कुछ यूनिक वीडियोस, तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं अपना चैनल स्टार्ट कर दूँ। और आप क्या देखना चाहते हो उस चैनल पे, मतलब कैसा कंटेंट चाहते हो, वो भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। गाइज देखो मैं कहाँ गई, कितना अंधेरा हो रहा है, पता है मैं कहाँ, मैं अपने घर में, ऊपर सारी लाइटें बंद है, अब मैं जा रही हूँ बालकनी में। गाइज देखो पॉल्यूशन दिख रहा है, दिख रहा है पॉल्यूशन, नहीं दिख रहा तो देखने की कोशिश कर लो ठीक है। और पता है ये जो सामने घर है ना, ये हाँ इसकी छत पे ना बंदर है, अभी दो अंडियाँ खड़ी थी, बंदर को देख के इतनी जोर से भागी गई हैं, गिर सकती थी बच गई, भाग के नीचे भाग गई कह रही हूँ, जल्दी से नीचे भाग गई। और यहाँ पे है बंदर, इसके ऊपर दिखे तो वैसे हमें ही नहीं दिख रहा, आपको कहाँ से दिखेगा, बट है इसके ऊपर ही, मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ ना आ जाए, कहीं मेरे हाथ से फ़ोन सीधा नीचे जाए, मैं पिटू घर पे, शाम आ जाइए गाइस मेरी शाम। सो गाइस पता है यहाँ पे ना इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि आँखों में दिक्कत हो रही है, सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी मैं आपको ना एक चीज़ पे फोकस करके दिखाऊंगी, फिर आप देख के बताना कि आपको पोल्यूशन लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। सो गाइस सामने देखना, मेरी जाँग रह जाएगी वहाँ, ये आपको टावर दिख रहा है जिसपे पत्ते पत्ते हैं, दिख गया होगा हाँ, तो इस पे देखो आपको ये ना बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब समझ रहे हो कि पोल्यूशन है। बिल्डिंग्स भी देख लो क्लियर नहीं दिख रही होगी, ऐसा स्मोक सा लग रहा है, जो कि स्मोक नहीं पोल्यूशन है, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और हमारे घर के नीचे कोई खड़ा है, ये तो कोई जा रहा है गाइज, ये तो कोई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, अपन अंदर चलते हैं। सो गाइज अपन अंदर चल रहे हैं, हमने ना सारे यहाँ पे अंधेरा कर रखा है, लाइट नहीं जला रखी। और मेरा भाई भो कर रहा है, देखो मेरी मम्मी क्या खा रही है, देखो ये देखना, अकेले अकेले खा रही है गाइज, अकेले अकेले, हमको नहीं खिला रही, हमको क्यों नहीं खिला रहे, ओए बच गई चाय, पूछो गाइस हमें क्यों नहीं खिला रहे, हमें क्यों नहीं खिला रहे बताओ, मुंह में नमकीन है इसलिए नहीं बोल रही गाइस, ये कोई बात होती है, पहले ना क्या करो निगल जाओ फिर बोलो, ठीक है निकलो जल्दी निकलो गाइस, अब मुंह की नमकीन खत्म होगी तो मुंह में चाय ले ली, देखना चाय पी रही है, ये चाय कौन बना के लाया आपके लिए, मैं, ओ भाई कसम से भाई, झूठे लोग मैं बना के लाई हूँ गाइस, सच्ची बता रही हूँ मैं बना के लाई हूँ, झूठ बोलते हैं ये लोग, बहुत झूठे हैं गाइस। पता है मौसम तो ऐसा हो रहा है, अभी तो ठंड लग रही थी अब लेकिन गर्मी लग रही है, मैं मन कर रहा है ये मैं चेंज करके कुछ और पहन लूँ, क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही है, पर मम्मी चेंज नहीं करने देंगी, क्योंकि मम्मी कहती है कि तुम एक दिन में दो दो तीन दिन कपड़े कर देती हो, फिर जल्दी से कपड़े धोने पड़ते हैं, मशीन भर जाती है इसलिए। और मैं ऐसे पता है नीचे क्यों देख रही हूँ बार बार, क्योंकि मम्मी की चाय रखी, अगर वो गिर गई तो मैं पिटूंगी, है ना। और गाइस कल ना वो है गुरु नानक जयंती, तो आप हमें बताओ क्या हमें कल मंगला साहिब जाना चाहिए, ऐसे मम्मी लेके नहीं जाएंगी क्योंकि मम्मी सारे भंडारे होंगे, लंगर होंगे, लंगर उन्हें लंगर कहते हैं, कल मम्मी शायद लेके नहीं जाएगी क्योंकि भीड़ बहुत होगी, मम्मी कह रही है वो है जयंती 554। अच्छा जी, मम्मी को कहो कि हमें लेके जाए, मम्मी कहीं नहीं लेके जाती गाइस, मम्मी कहीं नहीं लेके जाती, लेके चल रहे हो नहीं चल रहे, हमें लेके चल रहे हो नहीं चल रहे, इस बंदूक की नोक पे लेके चलेंगे वरना बंदूक लगा देंगे ऐसे, चलो हमें लेके चलो तेरे बुआ के यहाँ, तो पता क्या होता है, हाँ मेरे को पता है, वहाँ पे ना वो रैली निकलती है और वहाँ पे चॉकलेट बिस्कुट टॉफी कुरकुरे पता नहीं क्या क्या ऐसे, वहाँ पे ना बहुत टेम्पो में भर भर के जाते हैं, फेंकते हुए जाते हैं सबके घरों के पास, फिर वो कैच करते हैं अपने घर में रख लेते, फिर खा लेते पी लेते, ऐश करते मौज करते हैं। अच्छा पता है मम्मी ने पीयूष को कहा था कि प्रेस के कपड़े लिया, पर अब वो झूठ मूठ का पढ़ाई कर रहा है, तो अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ, ठीक है गाइस अंदर चलते हैं जल्दी चलो। ये रहा गाइस देखो, मैं गेट के बीच में से दिखा रही हूँ और अभी इसको पता नहीं है वैसे कैप्चर कर रहे हैं, देखो अब हम 1 2 3 करके धप्पा, 1 2 3 धप्पा, तो सुनी डरे आइस पाइस स्पाइस आवाज आ रही थी हल्की फुल्की, ऐसा लग रहा था पर मैं श्योर नहीं था। क्या हुआ पीयूष, पीयूष आ कर रहा है, क्या हुआ
नीचे करना, मैं उसके ऊपर बैठी थी। बेल बज रही है गाइस, एक बार देख के आते हैं कौन आया है। कौन है ये? तो अम्मा है गाइस, अम्मा अम्मा है गाइस। चलो गाइस हम अपने भाई को परेशान करते हैं। बेटा तो झूठू मोटू का पढ़ रहा है, झूठू मोटू का सुन लो, चाहे सुन लो, सुन लो गाइस। ये जो मैंने आपको नान खटाई दिखाई थी ना, एक दे दे, एक दे। पागल है। अब ये पिटेगा गाइस, अब ये पिटेगा, देखो कहां तक गई है। पागल हो क्या? मम्मी जल्दी आओ, दीदी ने किया है। जल्दी मम्मी आओ, देखो क्या कर दिया। मम्मी नहीं आ रही गाइस, देखो क्या किया। मैं पता है क्या ले रही थी, भगवान कसम, मैं उसमें से नान खटाई ले रही थी, उसने लेने नहीं थी, मैं डब्बा खींच रही थी, डब्बा ऐसा खुल के उड़ के गया, नान खटाई बिखर गई। सारे दिन उसने किया, मैंने किया। आपकी लड़की को तो पढ़ना तो होता नहीं, और ना ही मुझे पढ़ने देती, उधर आके मुझे परेशान करके जा रही है। कौन परेशान करके जा रही है? मैं नान खटाई खाने आई थी, मैं ऊपर बैठ रही है, इसके मैं उसका पैर बैठ गई थी, इसका पैर ऐसे खचुम्बर बना दूंगी पैर का। मना कर तू ना आए, वहां पे झाड़ू मारो। तू मारेगा? तूने गिराया है गाइस? ये कोई काम नहीं करता। गाइस कैमरा बंद कर रहा है, देख लो कहाँ गया भग्गिया। देखो कपड़े लेके आया है प्रेस के, क्या 80 में 2 रुपए कम देने, 78 देने। हाँ तो वो लेना, मोटी है तो लेगा ना, मैं ही कर लूंगी भाई। देखो देखो इनका कंजूस बना, देखो गाइस वुलन मैं ही कर लूंगी घर में। पहले वो हुडी प्रेस थोड़ी होती है, हुडी प्रेस करने के लिए दे रहे हो। अरे पापा बाहर पहनते हैं ना जाके। क्या आप बात कर रही हो तो आप क्यों ना? नहीं मैं तो ऐसी बात कर लूंगी, आपको ना मेरे हाथ से फोन लेने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? जरूरत जरूरत नहीं है मुझे, जरूरत। स्माइल दो, स्माइल। मम्मी मत दो, फोकस करेगा, बहुत गंदा है ये। मम्मी के दांतों का बीच का गैप कहता है, जिसके दांत के बीच में गैप होता है ना, उसके दांत के बीच में से 5 रुपए का सिक्का निकाल देगा, ऐसे कहता है। लो कोई बात ना, क्या हो गया तो कहते। गाइस आज हमारे टीवी का मुहूर्त निकल गया है, वो चली गई है ठीक होने। इसके ऊपर रखी थी हमारी, मतलब कि जो मम्मी की टीवी खराब हो रही थी वो टीवी आज ठीक होने चली गई है, उसका मुहूर्त निकला था आज का। तो गाइस आपको पता है, एक ये बकवास और ये बकवास। गाइस बताओ पसंद करते हो ना उड्डी प्रेस करने की? पता है गाइस कितने रुपए ले रहा है? इसे अच्छा मैं नहीं कर लूंगी, क्यों करूं गाइस? इसके कोट का गाइस पता है क्या हुआ, वीडियो बंद थी और मम्मी बोल रही थी, मैं कह रही मम्मी वीडियो बंद है, मम्मी ने बाद में देखा। आपको पता है इसका छोटा सा कोट स्कूल का, मेरा नहीं देखे आया, उसके 20 रुपए छोटा सा हाइट देखिए गाइस, मैं नहीं कर लूंगी स्कूल का कोट फिर प्रेस, मैं नहीं देने वाली 20 रुपए। मेरा कोट तो दे दो, ये तो 20 रुपए मांग रहे हैं, बताओ हद कर रहे हैं गाइस। और गाइस इसके पापा की हुड्डी प्रेस करने को पहली बार हो गई गाइस, हो गया पहली बार, मैं बात करूंगा गाइस। तो पैसे मांग रहे हैं, मैं देने वाली गाइस, आज दे दूंगी क्योंकि मैंने करवा ली गाइस, अब मेरे गाइस बेईमान कहलाऊंगी ना गाइस, इसलिए तो गाइस आज के बाद नहीं देने, मैं घर में करने के आगे ना गाइस, समझ में वो तो मेरे से बैठा नहीं जाता ज्यादा देर, इसलिए मैं करवाती हूं, पर अब नहीं दूंगी गाइस, मैं इतने पैसे देने वालों में से नहीं हूं, कंजूस हूं गाइस। अब किसी से बात मत किया करो, मेरे से बात करिया करो ठीक है, मैं आपकी क्या हूं दोस्त हूं ना, इसलिए आप मेरे से बात करोगे। हाँ मैं आप लोगों के फेवरेट हूँ, आप किसी से बात नहीं करोगे, आप मेरे से बात करोगे ठीक है गाइस। कोई भी बोलेगा आप कह देना मैं आपकी बात नहीं सुननी, हमें मेरी बात सुननी है, मेरा नाम क्या है एकता लिख देना, मुझे एकता की बात सुननी है, तो मैं अपनी बातें क्या करूँगी ठीक है गाइस। सो गाइस आज के व्लॉग पे एंड करते हैं, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय।